हार्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क के बारे में। इसके पहले 5 एपिसोड हम बना चुके, वो सब देखिए और उसको देखने के बाद ये देखें सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, एसएससी, बैंक, आईएएस, पीसीएस, एनडीए, जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए बहुत यूजफुल है। और ये पूछा भी जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो उन्होंने लिखा है एज वेल एज अलॉन्ग विथ इन एडिशन टू विथ बिसाइड्स लाइक एंड नॉट बट नॉट टुगेदर विथ। इनसे यदि दो कर्ता सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो जो यहां कर्ता आएगा यानी पहले जो कर्ता आएगा उसी के अनुसार यहां वर्ब आएगी, जब इसी के अनुसार यहां वर्ब आएगी तो उसी के अनुसार यहां पैसिव केस की आएगी। आपको बताया था कि वर्ब के अनुसार पैसिव केस आती है। फिर से एज वेल एज अलॉन्ग विथ इन एडिशन टू विथ बिसाइड्स लाइक एंड नॉट बट नॉट टुगेदर विथ। इनसे दो कर्ता आपस में जुड़ेंगे तो जो कर्ता यहां पहले आएगा इसी के अनुसार वर्ब आएगी, इसी के अनुसार पैसिव केस आएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। बात पक्की हो गई, समझ आ रहा? तो एक एक एग्जांपल चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले एज वेल एज देखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा होगा राम एज वेल एज श्याम लिव इन द हॉस्टल। यह वाक्य राम एज वेल एज श्याम लिव इन द हॉस्टल। बताइए पहले कौन है? राम। राम के अनुसार यहां पर वर्ब आएगी लिव, तो बताइए लिव होगी कि लिप्स होगी? बोलो लिप्स होगी ना, यल आई वी ई एस। इसके अनुसार वर्ब आएगी, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होगा। पक्का? जैसे कहा बेटा द गर्ल्स एज वेल एज रवि वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। बोले बेटा क्या होगा? द गर्ल्स एज वेल एज रवि, तो गर्ल्स के अनुसार यहां पर वर्ब आएगी वाज से ही एक वर्ब से ही। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एज वेल एज से दो कर्ता हमने जोड़े, जो यहां कर्ता आएगा ये इसके अनुसार वर्ब आएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। जैसे लिखा होगा The boys along with Jaya was walking on the footpath. दिमाग में बाबा दिमाग लगाने जुड़ते नहीं पाठक स्टाइल में। बहुत सरल सा तरीका है कि जो पहले करता आएगा वॉयस के अनुसार यहां पर वॉयस आएगा पर आएगा। बोलो ओवर है नहीं समझा? ऐसे कहा समझा ना, वॉयस के अनुसार वर्ब आएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। से कहा द रोड along with the railway navda are running parallel
पैरेलल। बोलो बेटा क्या करती है? द रोड अलोंग विद द रेलवे, तो रोड के अनुसार यहां आर होगा इज होगा, बोलो इज होगा। आ गया होगा समझ, नोट कर लिया? कैसे कहा बेटा? मोहन इन एडिशन टू सोहन, मोहन इन एडिशन टू सोहन प्ले चेस डेली। यह वाक्य बताइए सही है गलत है? सही है। मोहन के अनुसार यहां पर प्ले होगा कि प्लेज होगा? बोलो प्लेज होगा ना, हाँ प्लेज होगा। मोहन इन एडिशन टू सोहन प्लेज चेस डेली। किसे कहा बेटा? द स्टूडेंट्स इन एडिशन टू आई वर प्लेइंग इन द फील्ड। यह वाक्य द स्टूडेंट्स इन एडिशन टू आई वर प्लेइंग इन द फील्ड, बताइए क्या गलती है? स्टूडेंट्स के अनुसार वर्ड सही है लेकिन अभी वाक्य आपका गलत है। पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं, वर्ब तो हमने सही कर दिया, कंसंट्रेशन आपका किस पर है? वर्ब पर। और वर्ब सही है, आप सही का निशान लगा चले हैं लेकिन आपका वाक्य गलत है। आपको कहीं पढ़ाया है कि यदि किसी वर्ब अथवा प्रेपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। यहां वर्ब में गलती नहीं है, गलती किसमें है? आई में। क्या लगा लोगे? मी। वर्ड तो इसलिए सही है कि स्टूडेंट्स के अनुसार वर्ड सही है लेकिन यहां जो आई हमने बोला यह क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, क्योंकि यह टू क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आई गलत है, क्या होगा बेटा? मी हो। समझ में बात आ रही ना? जैसे कहा बेटा द टीचर्स विथ द प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट ऑन द प्लेग्राउंड। यह वाक्य बेटा द टीचर्स विथ द प्रिंसिपल, विथ द प्रिंसिपल होगा ना, द टीचर विथ द प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट। आपका वाक्य गलत है बेटा, जो पहली करता आएगा ये वाला टीचर्स के अनुसार यहां पर वर आएगी, बताओ वाज होगी कि वर होगी? वर यहां पर होगी। नहीं समझा? विथ लगा है ना, इसके अनुसार वर्ब है। जैसे कहा बेटा, नोट कर लिया नहीं? एक एक पॉइंट नोट करते चलो, इसके अनुसार यहां पर वर्ब है। जैसे कहा बेटा द ऑफिसर with the workers have gone to the fund office। यह वाक्य the officer with the workers have gone to the fund office, बोलो किसके अनुसार है बेटा? कहां गलती है? यह है में गलती है बेटा, क्यों?
क्योंकि ये जो पहले आएगा इसके अनुसार हो रहेगी, तो आप विसर्ग के अनुसार बोलो यहां पर क्या आएगा हैज। नहीं समझ आए किसी ने यार, बहुत सारा जो यहां करता आएगा उसके अनुसार हो रहेगी। सीख लगा बेटा, सीता बिसाइड्स गीता, सीता बिसाइड्स गीता टीच इन दिस कॉलेज। बताइए कहां करती है सीता के अनुसार वर्ब आएगी तो बताइए टीच होगा टीचर होगा, यहां गलती है यहां टीचर होगा ना बेटा। सीता के अनुसार वहां पर वर्ब आएगी, जो पहले आएगा उसके अनुसार वर्ब जाएगी। जैसे कहा बेटा द वर्कर्स विथ द मैनेजर, द वर्कर्स विथ द मैनेजर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। बताइए क्या गलती है, वर्कर्स के अनुसार बताइए वाज होगा क्वर होगा, वाज नहीं होगा क्या होगा वर होगा, किसके अनुसार आएगी वर्कर्स के अनुसार है। नहीं समझ, जैसे कहा बेटा सरला लाइक विमला हैव गॉन टू आगरा, सरला लाइक विमला हैव गॉन टू आगरा। बोलिए किसके अनुसार बेटा, सरला के अनुसार हैव होगा कि हैज होगा, हैज सही बेटा। नहीं ना पक्का, जैसे कहा बेटा नेहा एंड नॉट रवि, नेहा एंड नॉट रवि नवड़ प्ले चेस डेली, नेहा एंड नॉट रवि, रवि नहीं नेहा, तो नेहा के अनुसार यहां पर प्ले आएगा प्ले जाएगा, बोलो प्ले जाएगा। नेहा एंड नॉट रवि प्लेज चेस डेली। जैसे कहा बेटा द गर्ल्स एंड नॉट मुकेश हैव डन हिज होमवर्क, द गर्ल्स एंड नॉट मुकेश हैव तक आपका वर्ब सही है, यानी वर्ब सही है। अब गर्ल्स के अनुसार यहां पर हिज होगा कि देर होगा, बोलो गर्ल्स बहुचना तो यहां हिज होगा कि देर होगा, यहां गलती कर दिया बेटा, क्योंकि बताया कि जिसके अनुसार वर्ब आएगी उसी के अनुसार आगे पश्चिम केस भी आएगी। पॉइंट समझ रहे हो ना, इसके अनुसार वर्ब आई है तो इसी के अनुसार पश्चिम केस भी आएगा क्या, तो गर्ल्स बहुचना है तो वहां हिज होगा देर होगा, देर होगा। ऐसे कहा बेटा दे बट नॉट आई एम गिल्टी काज, यह वाक्य बेटा
दे बट नॉट आई एम गिल्टी कर, बताइए किसके अनुसार बन रहा है? दे के अनुसार, तुमने तो आई के अनुसार यहां लगा दिया, गलत हो गया। क्या होगा? एम की जगह क्या होगा? आर। दे बट नॉट आई आर गिल्टी कर, आ गया समझ? जैसे कहा था अमित बट नॉट सुमित हैव डन हिज ड्यूटी, अमित बट नॉट सुमित हैव, तो गलत हो गया। अमित के अनुसार बोलो क्या लगाओगे? हैव की हैज, हैज लगे हो गया। अमित बट नॉट सुमित हैज डन हिज ड्यूटी, हिज वहां सही है क्योंकि अमित के अनुसार क्या लगा? हिज। जैसे लिखा बेटा प्रिया टुगेदर विथ विजया हैव विजिटेड द ताज, प्रिया टुगेदर विथ विजया, तो किसके अनुसार लगाओगे? प्रिया के अनुसार लगाओगे तो यहां हैव सही है कि हैज? बोलो है सही। ऐसे कहा बेटा, इतना शर्म आ गया पक्का? एक वाक्य और देते हैं, यानी कि आपको बताया कि जिसके अनुसार वर्ब आती है उसी के अनुसार आगे पसे केस आती है ना बेटा। जैसे कहा बेटा जया एज वेल एज रवि हैज फॉरगॉटन हिज टिफिन बॉक्स, यह वाक्य जया एज वेल एज रवि हैज, दिमाग दिमाग लगाओ, आपका दिमाग हैज पर कंसंट्रेट है, आपका दिमाग चलना चाहिए। यहां तो जया के अनुसार है सही है, लेकिन पूरा वाक्य पढ़ो, देखो वाक्य सही है गलत है? वाक्य गलत है बेटा। जया एज वेल एज रवि हैज, तो यह हैज रवि के लिए लगाया कि जया के लिए? बोलो जया के लिए लगाया। इसके अनुसार वर्ब आए तो इसी के अनुसार आगे पश्चिम केस आएगी। यहां पर हैज जो आपने लगाया यह गलत है, क्या होगा बेटा? जया के अनुसार क्या जाता है? तो आपको यह पॉइंट समझ आ गया क्या? क्या एज वेल एज अलॉन्ग विथ इन एडिशन टू विथ बिसाइड्स लाइक एंड नॉट बट नॉट टुगेदर विथ, इनसे ये दो कर्ता आपस में जुड़ेंगे तो जो यहां करता आएगा पहले उसी के अनुसार भरवाएगी, तो उसी के अनुसार भरवाएगी तो उसी के अनुसार आगे पश्चिम केस आएगी। ये साधारणता है, वर्ब से अलग हट करके बताया, ये पश्चिम केस के बारे में पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम बेटा आपको सलाह देते हैं कि कोई भी पॉइंट, जैसे वर्ब का चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस समय, तो जब आप खोलो तो यह अंतिम एपिसोड ना देखो, शुरू से एक तरफ से एक एक चीज क्लियर करो, दिमाग में भर जाएगा। चैलेंज करते हैं कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी कंपटीशन होगा आईएएस पीसीएस तक, तो वह भी आप सॉल्व कर लोगे, यह हमारा दावा है। ओके okay.